दोस्तों वर्ल्ड कप में आज का मैच श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा था, जहां पर बांग्लादेश की तरफ से जो उनके सीनियर मोस्ट कप्तान है साकिब अल हसन की तरफ से एक बहुत ही बेहद शर्मनाक नजारा देखने को मिला, जिसकी वजह से एंजेलो मैथ्यू को इतिहास में पहली बार कोई भी प्लेयर क्रिकेट के जगत में इस तरीके से आउट करा दिया गया। आपको बता दें ये मामला तब घटित हुआ जब 24वें यानी 25वें ओवर की गेंद फेंकी जा रही थी, पहली गेंद पर चौका लगने के बाद दूसरी गेंद पर शदीरा शमर विक्रमा जो कि क्रीज पर मौजूद थे उन्होंने एक लंबा शॉट खेला और जो कि महमूदुल्लाह के हाथ में कैच आउट हो गए, जिसके बाद जो अगले नए बैट्समैन क्रीज पर आने थे वो थे एंजेलो मैथ्यूज। जैसे ही वो क्रीज पर आए तो उसके बाद उन्होंने क्रीज पर पहुंच चुके थे, जैसे ही बैटिंग करने के लिए तैयार हुए उसी दौरान उनको पता चला कि उनके हेलमेट का जो स्ट्रैप है यानी कि जो बद्दी है जिससे वो उसको हेलमेट को टाइट करते हैं वो थोड़ा सा ढीला या टूटा हुआ है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा बाहर जाते हैं, मतलब स्टेडियम के बाहर नहीं बल्कि दूसरे हेलमेट को चेंज करने के लिए थोड़ा क्रीज से हटते हैं और इसी की अपील देते हैं साकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश के सीनियर मोस्ट कप्तान हैं कि जो 3 मिनट का समय होता है कि कोई भी प्लेयर जो दूसरी बॉल फेंकी जानी होती है 3 मिनट के अंदर ग्राउंड में अंदर आ जाना होता है। न्यू प्लेयर जो कि वो प्लेयर आ चुका था लेकिन वो स्ट्रैप टूटे होने की वजह से थोड़ा दूसरी जगह गए हेलमेट को चेंज करने के लिए, जिसकी वजह से जो साकिब अल हसन है उन्होंने एम्पायर से आउट की अपील कर दी। एम्पायर वहां पर मुस्कुराए कि क्या आप सच में अपील करना चाहते हैं, तो जो कि साकिब अल हसन ने कहा कि जी हां हम सच में अपील करना चाहते हैं, और जो कि क्रिकेट जगत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को टाइम आउट के रीजन की वजह से आउट करा दिया गया और एंजेलो मैथ्यूज को वहां पर आउट दे दिया गया। आखिर आपकी क्या राय है कि क्या ये बिल्कुल सही किया है बांग्लादेश की तरफ से साकिब अल हसन और मुस्तफिक रहीम ने, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।